वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे कैसे तुम लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ। मैंने स्टोरी नहीं डाला हूँ, मतलब बताया भी नहीं था कि मैं आने वाला हूँ व्लॉग में, वहाँ से भी नहीं बना के आया मैं। क्यों, सीन ऐसा था, मैं बस में आया था, फिर दिक्कत ये हो गई थी कि मेरे साथ में थोड़ा सा लगेज भी था गेहूँ का, जो कि उधर रखा है वो उधर नीचे। हाँ, तो इसके कारण मैंने बोला कि नहीं यार, और बाल को मत देखो क्योंकि नहा धो के आया तो तेल नहीं लगाया हूँ। तो अभी भाई लोग हो गया बहुत खाना पीना, मतलब वही, मतलब आराम करना समझ लो, है ना, घूम फिर ही रहे थे। और जैसे कि आप लोगों ने वर्कआउट देखा तो आप लोगों का ऐसा तो नहीं लग रहा था भाई लोग कि वर्कआउट छोड़ दिया है या तो फिर बस कभी कभार करता है, है ना। पर सीन ऐसा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले ब्लॉग में बताया था मैंने कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके कारण अभी मतलब कुछ एक दो हफ्ते से ही थोड़ा बहुत ठीक लगने लगा। मतलब गला भी बहुत ख़राब लग रहा था, मतलब खाना नहीं खिला रहा था, बहुत सी चीज़ें थी। पर धीरे धीरे करते अभी ठीक हुआ। अभी भी थोड़ी बहुत खांसी आती रहती है। तो अभी मैं फाइनली अभी घर आ चुका हूँ भाई लोग। अब सीन ऐसा है कि भाई देखो, घर पे तो मम्मी कपड़े धुल लेती, खाना भी बना लेती, सब काम कर लेती थी, पर अब मैं आया हूँ तो मुझे काम करना है। तो देखो भाई, दो बाल्टियों में मैंने कपड़े डाले तो उसको मतलब धुलूँगा ठीक। और अभी कुकर रखा है तो कुकर में आलू उबाले फिर खाना बनाऊँगा। अभी यही दो तीन काम है। और मैं आज कॉलेज जाने वाला था तो सीन ऐसा हो गया था कि मेरा जो पैंट है वो पैंट है यहाँ से फट चुका है ठीक है, इधर साइड से फट चुका है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि वो पैंट पहले साल से ही टाइट हो रहे थे ठीक है। पर क्या करें यार, सब एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो अभी सबसे पहले कपड़े धुलता हूँ, उसके बाद में खाना बनाना है। गाइस अच्छा नहीं लगता ना, भाई लोग बोलते थे कितना अच्छा लगता है, और भाई लोग ऐसा। तो अभी सेविंग भी करवा ली, मैं सोच रहा था ये भी कटवा लूँ, पर फिर मैंने बोला थोड़ा लुक चेंज रखो धीरे धीरे। मैं तो सोच रहा था दाढ़ी में रखूँ, पर वही ये कॉलेज में भी इशू आता है कि क्या बोलते, सेविंग होना तो होना, इसलिए करवाइए ठीक है। तो अभी सबसे पहले कपड़े धुलते और व्लॉग एंजॉय करो आप लोग भी, और मैं कपड़े धो के एंजॉय करता हूँ। सो फाइनली भाई लोग, अभी मतलब मैं सो के उठा था, क्योंकि जब मैं मतलब कपड़े वपड़े धुल के रख दिए थे और जब मैं खाना बना रहा था, तब इधर साइड में अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, घर बन रहा है। अभी सो के उठा है, थोड़ी आवाज़ भारी भारी लग रही, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, अभी भी हल्की फुल्की आ रही, पहले थोड़ा उससे बहुत ज़्यादा आ रही थी। देखो ये आ रही है हल्की फुल्की बाहर से, पहले बहुत आ रही थी, अभी शाम हो गई है, सूरज ढलने पर आ रहा है। और सब आ चुके हैं, हमारा कॉलेज की छुट्टी तो कितने बजे हो गई थी, अंदर आ जाता हूँ। हमारे कॉलेज की छुट्टी हो गई थी 3:30 बजे, शायद हो गई थी 4:30 बजे तक घर,
और जल्दी पहुंच गए। तो अभी सबसे पहले कॉलेज का पेंट को मैं अभी लेके जाता हूँ, जो कि कल मुझे भी कॉलेज जाना है भाई, तो हमारी अटेंडेंस इशू हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा पेंट कहीं फटा था, बता रहा हूँ, पेपर के टाइम से फटा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको अब जाके मैं रफ करवाता हूँ, और बहुत सी जगह से फटा हुआ है, तो इसको जाता हूँ पहले रफ करवाता हूँ, और आप लोग भी चलो मेरे साथ सिनेमेटिक चेक करना, और उसके बाद में इसको लेके आके प्रेस व्रेस मार के फिर कल को ले जाएंगे, ठीक है। भाई लोग अभी क्या बोलते हैं, मैं खाना बना रहा था, और मतलब खाना क्या बना रहा था, दूध गर्म कर रहा था, तो सीन ऐसा हो गया था, राकेश भी आए मतलब मकान मालिक के लड़के, उसके बाद में भाई आज मैं दूध गर्म करने रखा और आज गैस ही चली गई। देखो ये जला के दिखाऊं, आ गया भाई लोचा इसका, देखो ये देखो ये फुल पे भी कर दो लो, अब तो जल भी नहीं रही। अब सीन ऐसा हो गया था कि मैंने अच्छा हुआ कि भाई दूध लेके आया था, तो उससे क्या हुआ कि मतलब रोटी थी मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा बना ली थी, तो भाई दूध रोटी खा लिया मैंने। अब सीन ऐसा हो गया कि अभी मैंने बात कर राकेश भैया से, वही दिलवाते हैं सिलेंडर, तो अभी बात करी है तो उनने बोला है कि 12 बजे तक आ जाएंगे कल, पर कल सीन ऐसा है कि कल मेरे को कॉलेज जाना है, तो दिक्कत ये हो गई कि सुबह खाना बनाना नहीं होगा, ठीक है। अभी रोहित भाई का फ़ोन आया था, वो मेरे को बोलता है कि बोले कहाँ पे, मैंने उसको बता दिया कि मैं घर पे हूँ, अभी उसको बोला नहीं कि मैं भोपाल में हूँ, और उसके बाद में अब शायद कल अगर चले जाऊँ तो कल टिफ़िन तो रहेगा नहीं, क्योंकि खाना बनाना ही है। तो और उसके बाद में भाई अब थोड़ा फल फ्रूट लेके आता हूँ मैं, अभी दुकान वकान खुली होंगी, क्योंकि कल सुबह में वो खाना पीना, क्योंकि मेरे को भूख बहुत जल्दी लग जाती है, इसके कारण मेरे को रखना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जाता हूँ बाहर काम, वो फल फ्रूट लेके आता हूँ थोड़े से, और उसके बाद में थोड़ा वर्क करूँगा अपना, और भाई लोग अब आ चुका हूँ, तो अब थोड़े बहुत ब्लॉग आते भी रहेंगे, नहीं भी आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी क्या कॉलेज की अटेंडेंस थोड़ा मायने रख रही थोड़ी सी, क्या ही मायने, मतलब अभी तो 2-3 हफ्ता हुआ था, 3 हफ्ते में रोहित भाई बोल रहा था कि उसकी 50% हो गई, तो 50% बहुत होती है, पर अपन को भी रेगुलर जाना है, इसके कारण थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, बीच बीच में व्लॉग आएगा, ज़्यादा वर्कआउट थोड़े बहुत जैसा मेरा मन आएगा वैसा वर्कआउट वैसे व्लॉग आते रहेंगे, कि मतलब मेरा मन तो करता है, पर वही है कि क्या अपन एक ही जगह रहते, तो इसके कारण वही बताना भी अच्छा नहीं लगता, पर मज़ा बहुत आता है, ठीक है। तो अब आ चुका हूँ भोपाल, अब अपने काम पे लग जाता हूँ, तो आप भी अपने काम पे लग जाओ, छुट्टी वेकेशन ख़त्म हो गई होंगी, और आप लोगों की चालू हुई होंगी, 12th पास आउट हुए होंगे जो 11th, 12th, 10th है कि नहीं क्लास के, पर कॉलेज की तो चालू है। तो व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के, तब तक ले बाय।